जल जंगल और जमीन पे हक उसका है जो वहां पर रहता है, जो वहां का बाशिंदा है। और आपने इस काम को करके दिखाया, फायरिंग रेंज के नाम पे 250 गांव की जमीन जाती है, आपने बहादुरी के साथ में मुकाबला किया, अपनी जमीन को बचाया। हमको भी यहां पर कहा गया कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, जंगलों के बीच में कहां जाओगे, उनको तो माओवादी लोग हैं सारे। अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो माओवादी बताए जाते हो आप, कोई ज्यादा आवाज उठाएगा तो उसको पकड़ के उसको घोषित करके मार दिए जाओगे। यहां हमको तो कोई मिला नहीं, यहां तो ये लोग शहर में रहते हैं, कोई माओवादी शहर में तो रहता नहीं। अपनी आवाज उठाओगे तो उसको आतंकवादी बताओगे। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान भट्टा था उसको आतंकवादी बताया गया। अगर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो माओवादी बताए जाते हैं। ये सच्चाई से ये किसान है, अपनी खेत की रखवाली करता है ये। और जिस हिसाब से हम यहां देख रहे हैं कि माताएं बहनें बच्चे सब लोग जहां पाए अपनी जमीन की हिफाजत के लिए,